तो शहजाद भाई मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो न्यू जनरेशन आ रही है यानी यंग लोग जो है, शहजाद भाई मैं बता दूं जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो गुटखा पुकार बहुत ज्यादा खाती है। तो कभी कभी मैं ये कहा करता हूं कि पुकार खाने वालों से मैं दिल नहीं लगाता हूं, कि पुकार खाने वालों से मैं दिल नहीं लगाता हूं, पुकार खाने से होती है सेहत खराब, इसीलिए तो मैं कमला पसंद खाता हूं। तो भाई टीम कैप्टन मोमिन 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा ले मेरे दोस्त। भाई अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों टीम के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेडी टेबल पे भेज दें, तब जाके मैच को शुरू कराए मेरे दोस्त। स्ट्राइक पे जैनब, नॉन स्ट्राइक पे बापू। जैनब यतिराज, स्ट्राइक पे जैनब, नॉन स्ट्राइक पे यतिराज, और गेंदबाज होंगे जैनम। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। फिर से उजैब तैयार बल्लेबाज के लिए, लवली शॉट और अंपायर का इशारा आना भी बाकी, आउट यानी पहला झटका लगता हुआ। लेट्स प्ले को पहला झटका लगता हुआ, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, कहां तक फैसला सही साबित होगा कहना मुश्किल होगा। अब उनका स्थान लेने आए हैं, यस। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार नए बल्लेबाज के लिए, अपनी किस्मत आजमा रहा है। लवली शॉट, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन स्कोर 7 रनों के योग पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए, लवली शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। स्कोर, स्कोर 13 रनों के योग पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद मगर उतनी अच्छा सम्मान किया जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। स्कोर 13 रन, 4 बॉल 13 रन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, लवली शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, अंपायर का इशारा, 6 रन स्कोर 5 बॉल 19 रन। इस बार अच्छी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते डाउन द ग्राउंड से गेंद दौड़कर एक रन पूरा किया, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पे। भाई बॉलर नेम बता दे मेरे दोस्त, मुशीर, मुशीर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, लवली शॉट और उतने ही जबरदस्त कैच, कहा जाएगा एक विकेट और गिरता हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 रनों के योग पर।
नए बल्लेबाज अकबर, फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। अकबर इस वक्त अब क्या करेंगे अपनी टीम के लिए, लवली शॉट जैसा नाम वैसा काम, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, स्कोर 26 रनों के योग पर, 26 रनों के योग पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार अकबर के लिए, लवली शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार बैक टू बैक 2 सिक्स लगा के खेले, अंपायर का इशारा, 6 रन, स्कोर 33 रनों के, 32 रनों के योग पर, 32 रनों के योग पर अभी भी रुका हुआ। फिर से वही गलती, लंबा हिट लगाने की कोशिश, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार अकबर के लिए, और लाजवाब शॉट, उतना ही जबरदस्त कैच कहा जाएगा, और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा अकबर को। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अंपायर का इशारा आउट, यानी एक और झटका लगता हुआ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 32 रन। तो नेक्स्ट बैट्समैन शिवम, और गेंदबाज नेम बता दे मेरे दोस्त अब्दुल। टीम का तीसरा ओवर अपनी जानिब से, पहला ओवर लेके आए अब्दुल, और शोएब भाई का फेवरेट बॉलर अब्दुल। फिर से एक बार अब्दुल तैयार बल्लेबाज के लिए, बल्लेबाज तैयार अब्दुल के लिए। तो अब्दुल कैसी फेंकेंगे अपनी पहली गेंद, कहना मुश्किल होगा। इस बार बेहतरीन गेंद और उतने ही लाजवाब सिक्स, और स्कोर 38 रनों के योग पर, 38 रनों के योग पर रुका हुआ। फिर से अब्दुल तैयार, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं। फिर से अब्दुल तैयार बल्लेबाज के लिए, तो क्या कुछ कर दिखा पाएंगे अब्दुल, और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी, और स्कोर 39 रनों के योग पर अभी भी रुका हुआ। फिर से अब्दुल तैयार बल्लेबाज के लिए, इस बार अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गेंदबाजी, वेलकम बैक कहा जाएगा अब्दुल का। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, और फिर से एक बार बल्लेबाज तैयार गेंदबाज के लिए, गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी, 3 बॉल 40 रन, स्कोर 40 रनों के योग पर रुका हुआ। और कैच हो सकता था, बहरहाल अच्छी कोशिश कही जाएगी। 4 बॉल 41 रन, 41 रनों के योग पर। फिर से बल्लेबाज तैयार अब्दुल अपनी अगली गेंद लेके तैयार, क्या कुछ कर दिखा पाएंगे अब्दुल अपनी अगली गेंद पे।
स्कोर, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, स्कोर। स्कोर 42 रनों के ऊपर। लवली शॉट और स्कोर 43 रन। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। अंतिम तीसरे गेंद की अंतिम एक गेंद आनी अभी बाकी है। तो अब्दुल तैयार बल्लेबाज के लिए और फिर से एक बार तैयार। लवली शॉट, गेंद स्टेट ड्राइव, 6 रनों के लिए स्कोर। यतिराज की अच्छी शॉट और अपनी टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे यतिराज। और स्कोर 49 रनों के योग पर। तो टीम का चौथा ओवर अपनी जानिब से पहला ओवर लेके आए हैं सौरभ। तो सौरभ अपनी किस्मत किस तरह आजमाएंगे कहना मुश्किल होगा। इस बार अच्छी बॉल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। स्कोर 51 रन। और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा यतिराज को, जो एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बहरहाल इस वक्त उनका विकेट गिरता हुआ और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। अभी भी अंतिम गेंदों की कुछ, अंतिम ओवरों की कुछ गेंदें आनी अभी भी बाकी है। तो नए बल्लेबाज बैट्समैन, अब नए बल्लेबाज अभिषेक। फिर से गेंदबाज तैयार अभिषेक के लिए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट पे जाके चुनती हुई गेंद और एक झटका और लगता हुआ। बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा अभिषेक को। स्कोर 51 रनों के योग पर रुका हुआ। अब नए बल्लेबाज अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। अभी भी अंतिम कुछ गेंदें आनी बाकी। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। फिर से गेंदबाज तैयार, बेहतरीन गेंदबाजी और वेलकम बैक कहा जाएगा पूरी टीम के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड मगर उतनी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। और स्कोर 52 रनों के योग पर रुका हुआ। लाजवाब शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। स्कोर 58 रनों के योग पर। अभी भी अंतिम कुछ गेंदें आनी बाकी। फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। और अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ओवर की समाप्ति, पांच बॉल भाई, सॉरी।
अंतिम ओवर की अंतिम गेंद क्या होगा कहना मुश्किल होगा। एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए और अच्छी शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा आउट। तो स्कोर 58 और विंडे मैचेस 59, यानी मोमिन 11 को अगर यह मैच जीतना होगा तो 59 रनों का सामना करना पड़ेगा। और मैं बता दूं मेरे दोस्त कि इस मैच के बाद जितने भी मैचेस होंगे, कमेटी का एक बड़ा फैसला, हर मैचेस 3+3 ओवर के खेले जाएंगे। और मोमिन 11 को अगर ये मैच जीतना होगा तो 59 रनों का सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्राइक पे होंगे सौरभ नानी, स्ट्राइक पे होंगे मुशीर और बॉलर नेम बता दे मेरे दोस्त साहिल। समंदर के पास फिर से साहिल तैयार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, लंबा हिट लगाने की कोशिश, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन मुकम्मल किया, स्कोर 1 रन। और मैं बता दूं दोनों लाइव कैमरे के टेबल के नीचे अगर गेंद जाती है तो 1 रन फिक्स कर दिया गया मेरे दोस्त, ये कमेटी का फैसला। फिर से बार गेंदबाज तैयार, अंपायर का इशारा, 4 रन स्कोर 5 रनों के योग पर। और एक झटका लगता हुआ और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। साहिल की अच्छी गेंद देखी जा रही है, तो भाई उनका स्थान लेने कौन आ रहा है मेरे दोस्त बता दे। तो मुशीर का स्थान लेने आए हैं आसिम। अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, जब तक गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। और मैं बता दूं स्ट्राइकर बल्लेबाज शॉट और आसिम बैक टू पवेलियन वापस चले गए। अब इनका स्थान लेने कौन आता है? भाई बैट्समैन जल्द से जल्द मेरे दोस्त, टीम कैप्टन डी बॉयज अगर उनके कानों तक मेरे माइक्रोफोन की आवाज आ रही है तो मेरे दोस्त कमेटी टेबल पे आ जाए। टीम कैप्टन डी बॉयज। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार साहिल,
जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया और स्कोर 8 रन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। और जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन पूरा किया तो टोटल स्कोर 2 बॉल 10 रन। फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। टीम कैप्टन डी बॉयज मेरे दोस्त अंतिम पुकार दी जा रही, जल्द से जल्द कमेटी टेबल पे आ जाए। इस बार लवली शॉट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन स्कोर 17 रन। इस बार जब तक गेट पॉइंट दौड़कर एक रन मुकम्मल किया स्कोर 6 बार। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और अंपायर का इशारा 9 बॉल का आता हुआ। फिर से गेंदबाज तैयार, अच्छी शॉट और आउट होते हुए बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा हुज़ैफ को। भाई टीम का तीसरा ओवर अपनी जानिब से, पहला ओवर लेके आए हैं जावेद। इस बार अच्छी शॉट डाउन द ग्राउंड, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया। बैट्समैन होंगे सादिक। फिर से गेंदबाज तैयार सादिक के लिए, इस बार जब गेंद फील्ड करते दौड़ कर एक रन पूरा किया स्कोर 21 रनों के योग पर। और मैं बता दूं कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर एसके 777 की टीम का, जिन्होंने 92 रनों का टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया था। फिर से एक बार अच्छी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर बता दें मेरे दोस्त 25 रन। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा इस वक्त बल्लेबाज को। तो अब इनका स्थान लेने
वापस बोले अगला होने वाला मैच 3-3 ओवर का है सारा मैच। और मैं बता दूं इस मैच के तुरंत बाद जितना भी मैचेस होंगे 3+3 ओवरों के खेले जाएंगे। इस मैच के तुरंत बाद 3+3 ओवरों के मैच खेले जाएंगे मेरे दोस्त। केवल औपचारिकता है, इधर लोगों को भेज देना वापस।